इस वक्त हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सीज फायर का कल रात उल्लंघन किया है और दूसरी तरफ राज्य के तंगधार में आतंकवादियों के साथ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी, यानी कि दो घटनाएं इस वक्त चल रही हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। LOC पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार फायरिंग करती रही, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब फायरिंग शुरू हुई 6 पोस्ट को BSF के निशाना पाकिस्तानी सेना की तरफ से बनाया गया, लेकिन करारा मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। BSF ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में। पुंछ सेक्टर के LOC पर यह सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लेकिन पाकिस्तान को यहां पर रुकना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है उससे पाकिस्तानी सैनिकों के हौसले पस्त हुए। ये दो तस्वीरें, एक तो रात को सीज फायर का उल्लंघन किया और एक सर्च ऑपरेशन कल से जारी है। 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। कल सुबह से ही सीमा पार से घुसे आतंकवादियों से यहां मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब भी कुछ आतंकवादियों के छुपे होने का शक सेना को है। 4 से 5 ऐसे आतंकवादी हो सकते हैं जो यहाँ पर तंगधार में छिपे हुए हैं। इस पूरे इलाके को घेर लिया है सेना ने और इन आतंकवादियों की तलाश सेना की तरफ से हो रही है। तो दो पाकिस्तान की नापाक हरकतें यहाँ पर। कल रात 12 बजे से पाकिस्तान ने पुंछ में फायरिंग शुरू की थी और ये सीज फायर का सीधे सीधे उल्लंघन है। सुबह तक गोलीबारी होती रही पाकिस्तान की तरफ से, 6 BSF की पोस्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया और जैसे ही फायरिंग हुई भारत ने उससे तेज़ ज़्यादा फायरिंग पाकिस्तान की तरफ की।